ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि मैं किसी भी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले लूँ, वो गूगल भैया से ले सकता है, पर वहाँ इंग्लिश इंग्लिश में ज्यादा मिलती है, हिंदी में भी मिल जाती है, बट रिटिन में होता है। तो ये दिल में इच्छा थी कि मैंने जब देखा, ये शुरुआत ऐसे हुई थी कि मिनिस्ट्री से ही कोई साहब मेरे से बात कर रहे थे और हमने किसी स्कीम के बारे में बात करी, और पता चला कि इवन ही वाज नॉट अवेयर, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। क्योंकि क्या होता है कि मिनिस्ट्री में भी डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो जो जिस डिपार्टमेंट को देखता है उसका तो एक्सपर्ट है, लेकिन ऐसा उम्मीद करना ठीक नहीं होता कि वो सब चीजों को जानते हैं। तो मुझे लगा कि अगर बैंक्स जो हैं उनको पता नहीं है क्या स्कीम्स हैं, जो मिनिस्ट्री में है उनको भी सभी चीजों की नॉलेज होना ना पॉसिबल होता ना होता है, जो एमएसएमईज हैं खास तौर से उनको तो बेचारों को कुछ भी नहीं पता होता। मतलब कल मेरे पास एक फोन आया, वो मेरे से भिड़े रहे बहुत देर तक कि मैं अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसको मैं एमएसएमई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, एमएसएमई को तो सरकार ने बहुत छूट दे दी। तो मैंने कहा आप कन्वर्ट कैसे करोगे, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बोले नहीं, वो मुझे किसी ने बता दिया कि आप इसको एमएसएमई में कन्वर्ट करा लोगे तो ना आपको बैलेंस शीट बनानी, ना आपको रिटर्न फाइल करनी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस प्राइवेट लिमिटेड को मेरा कंपनी में कन्वर्ट कर दो आप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मेरे एमएसएमई में कन्वर्ट करो आप, इसका प्राइवेट लिमिटेड हटा के इसको एमएसएमई रजिस्टर्ड करा दो। तो और वो बहुत पढ़े लिखे समझदार प्राणी थे, तो मुझे लगा कि ये जो समस्या है ये एक ऐसी है कि जहाँ पे खास तौर से जो बहुत छोटे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, अपने देश की जो भाषा है, भाषा है जो मातृभाषा है वो समझते हैं। तो मैंने शुरू किया तो और प्यार मिला मुझे। मुझे शुरू में लोगों ने कहा कि यार ये थोड़ी यूट्यूब पे चलता है, यूट्यूब पे तो कुछ गाने वाने गाओ, कुछ जोक सुनाओ तो वो ज्यादा चलेगा। तो मुझे लगा कि चलो मेरा कोई पर्पज इसका कोई बिजनेस तो है नहीं, मैं तो इसको एक शौक के तरह से करना चाहता हूँ। बट वो इतना प्यार मिला उसके बाद। और अभिषेक जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि सर मैं चाहे जितना समझा लूँ, जो आपके क्लाइंट है ना वो आपके पास आकर आपको फीस देकर आपसे ही काम कराएंगे, वो मेरी बातों से समझ के अगर ये अपने आप करने लगे तो कोई ना डॉक्टर के पास जाएगा, वो जो हॉस्पिटल गए हैं उनको जाने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो सब यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, हर बीमारी के बारे में, हर हॉस्पिटल के बारे में, हर दवाई के बारे में। तो अगर वो कोई समझे कि भैया मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो अपना यूट्यूब देख देख के सब कुछ दवाई ले लूंगा और ठीक हो जाऊंगा, कोई सोचे कि यार ये तो मुकेश मोहन से मैं सब सीख सीख के अपना आप कर लूंगा, मैं अभिषेक जी के पास नहीं जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है अभिषेक जी। और देखिए अभी हमने कोरोना में देख लिया कि जो जनता की सेवा है वो सबसे बड़ा काम है। अगर कुछ हमें थोड़े कम पैसे भी मिल जाएंगे तो आपने देख लिया कि भैया हमारी ज्यादा नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें महंगी घड़ी पहनने की, कोई जरूरत नहीं है हमें महंगे पहन रखने की, कोई जरूरत नहीं है हमें बहुत ज्यादा ब्रांड के कपड़े पहनने की। तो हम अगर कुछ कम पैसे भी कमा लेंगे और देश की जो सही मायने में जो पब्लिक है जिनको हमारी जरूरत है, अगर उनको बदले में हम कुछ दे देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो उसका जो मूल्य है वो जो फीस है उससे बहुत ज्यादा होगा। तो ये तो आपका जो आपके जो मेंबर हैं जो उनके लिए मेरा ये बस संदेश था। इनफैक्ट आपने, मैं मतलब कई दिन से देख रहा हूँ आपके छोटे छोटे वीडियोस भी आ रहे हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और वो भी हम लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। क्योंकि कई बार जैसे आपने बोला ना कि हर एक व्यक्ति को हर एक सब्जेक्ट की जानकारी होना मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज अपने आप में एक वास्ट है। तो जो 2%, 4%, मतलब आपने एक वीडियो डाला था 5% में आप कैसे लोन ले सकते हैं, एमएसएमई में उद्योग आधार क्या है, तो ये जो छोटे छोटे वीडियोज भी हैं ये हमें काफी हेल्प कर रहे हैं आज के डेट में चीजों को समझने में। और इनफैक्ट मैं अगर मेरे चार्ट मतलब आपके एक वीडियो को देख के जब मैंने सीए से अपने बात करी और उन्होंने वो फैसिलिटी के बारे में जब बैंक को पता किया तो आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर दैट, बट बिकॉज ऑफ दैट हिज 5 क्लाइंट्स गॉट गॉट दैट बेनिफिट, तो फायदा हो गया। फायदा हो गया। तो व्हाट हैपेंड दैट ही स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट दैट बिकॉज वो नॉलेज आ चुकी थी। तो सर कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भी हम बहुत बड़ा समाज को एक मैसेज भेजते हैं, क्योंकि आज अगर 5 लाख, 5.5 लाख लोग एक साथ आपका वीडियो, कोई भी वीडियो देखते हैं, तो जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो 5 लाख की जगह 50 लाख और 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचता है। तो डेफिनेटली सर आप जो काम कर रहे हैं ये काम, इसको सोशल सर्विस तो है ही है साथ में, और साथ में मैं समझता हूँ ये एक आर्थिक चेतना फैल रही है समाज में, एक आर्थिक चेतना के रूप में ये विकसित हो रहा है, और डेफिनेटली इसका हमें जो लाभ मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त मिलेगा।
और ये जो चीज आज आपने बनाई है ये मुझे लगता है कि शताब्दियों तक लोग इस चीज को समझेंगे और इस चीज को मार्गदर्शन के रूप में लेंगे। धन्यवाद नितिन जी इतने काइंड वर्ड्स बोलने के लिए, और बस मेरा पर्पज इसमें इतना ही है। और आज जो व्यूअर्स हैं, अगर मैं देखता हूँ 35 लाख से ज्यादा इसमें व्यूअर्स हैं, क्योंकि सब्सक्राइब हम सब लोग नहीं करते। सब्सक्राइब हम कोई भी, हम खुद भी अगर कोई वीडियो देखते हैं नॉर्मली यूट्यूब पर, तो एक ह्यूमन नेचर ऐसी है कि हम सब्सक्राइब उसको बहुत बाद में करते हैं। पहले तो हम देखते रहते हैं, चलो फिर देखते हैं, तो वो वीडियो उनसे रिलेटेड बार बार हमारे पास आने भी लगती है, तो हमें लगता है सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम इसमें और बहुत सारी नई नई चीजें अभी ला रहे हैं। जैसे आपने कहा कि भाई छोटी वीडियो, जब मैं कभी इसमें बड़ी लंबी वीडियो डाल देता हूँ तो भी लोगों का कुछ का ये कहना था कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी आप वीडियो डाल देते हैं, इतनी बड़ी वीडियोस कई बार नहीं देखी जाती और हम बिजी होते हैं तो छोटी वीडियो डालें। तो हमने एक और चीज़ शुरू की है, ये एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल तो है ही, मैं इसमें अभी तक करीब 175 से ज़्यादा वीडियोज इसमें अपलोड कर चुका हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप की अगर कोई भी समस्या है बिजनेस से रिलेटेड, जितनी भी समस्या है, आप ये जो एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल है इस पर मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है कि आपकी हर समस्या को यहाँ पर मैं उसका कुछ समाधान पोस्ट कर दूँ। कुछ तो आपको जरूर मिलेगा वहां पर, आप कोई समस्या ढूंढ लीजिएगा जो आपको लगता है कि ये बिजनेस की समस्या है। मैंने कुछ इस पर टिप्स भी डाले थे, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू, कुछ ऐसी चीजें भी डाली, बट मैं बहुत मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना चाहता क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। बस मेरा पर्पस तो यह है कि भैया जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली चल पाए लोगों का, उसमें जो मैं अपना सहायता कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। तो हमने एक एमएसएमई की पाठशाला करके हम एक ऐप बना रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि और एक हफ्ते में वो आ जाएगा। उसमें हम बहुत ही डिटेल में मैं आप समझता हूँ आप एक हफ्ते बाद, अगर खास तौर से पहले एंड्रॉयड पर होगा, अभी है बट उसमें कुछ चेंजेज हो रहे हैं, अभी बिल्कुल एकदम ट्रायल मोड में है, पर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो बिल्कुल एक फाइनल शेप में होगा। उसमें हम हर वीक एक वीडियो पोस्ट करेंगे और वो वीडियो इतनी डिटेल्ड वीडियो होगी कि अगर आपको, जैसे हमने यहाँ कहा कि भाई आप स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया अपनी वीडियो में कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेफिनेशन है, कौन एलिजिबल हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें मैंने इसमें यहाँ बता दी आपको एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो समझ लीजिए ये एक ट्रेलर है और जो पूरी पिक्चर है वो फिर आपको एमएसएमई की पाठशाला में मिल सकती है, क्योंकि वहाँ स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का कि आप वेबसाइट पर जाकर कैसे आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है और क्या डॉक्यूमेंट है, ऐसे करके हर चीज में वहाँ पर एमएसएमई की पाठशाला में वो मैं ऐसी कुछ वीडियो पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो 1 घंटा 1.5 घंटा की भी हो सकती है। तो आप पूछिए आज मुझसे, आप वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो सेक्टर है वो सबसे स्ट्रेस में होगा आजकल, क्योंकि जो ज्वेलरी जो है वो जो सबसे पसंदीदा चीज होती है किसी भी घर में, किसी गृहिणी की, हमारी माता बहनों की, और वो बहुत काम भी आती है, बुरे समय में भी वो काम आती है, अच्छे समय में भी काम आती है, लेकिन अभी कुछ माहौल ऐसा हो गया है कि कुछ समय के लिए तो ये थोड़ा स्ट्रेस मुझे लगता है कि बना रहेगा, हमें इसको शायद टॉलरेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम तक शायद जो पैसे हैं वो लोग अपने जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उन्हीं में खर्च करेंगे, क्योंकि सबका कैश फ्लो भी प्रॉब्लम में है। सरकार से मैं ऐसे मानता हूं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद करना लगता नहीं है कि कुछ हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर भी सकते हैं कि नहीं सरकार से और बैंक से, क्योंकि मैं तो ऐसे समझता हूं कि इस समय सरकार की भी हालत ख़राब है, एक तो ये जो कोरोना है इससे लड़ने में, और किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि भैया इससे लड़ना कैसे है, खोलना है लॉकडाउन या बंद करना है, टेस्ट कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना है कि नहीं चलाना, बाजार खोलने हैं, मॉल खोलने हैं, नहीं खोलने हैं, इकोनॉमी का ध्यान रखना है कि जिंदगी का ध्यान रखना है, तो ये एक कन्फ्यूजन है। लेकिन इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो सरकार के पास भी रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, और जो बैंक्स हैं चाहे हम कितनी भी स्कीम लाएं बट बैंक्स की हालत, वो मदद तो करेंगे बट बैंक्स की हालत भी हम देख रहे हैं कोई बहुत अच्छी नहीं है। और अगर उसको, मैं तो बैंक को भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखता हूँ कि उसके पास भी इनफ्लो जीरो हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, और जो उसका आउटफ्लो है, क्योंकि जो डिपॉजिटर है उनको तो ब्याज देना पड़ेगा, वो ये नहीं कह सकते अपने डिपॉजिटर को कि भैया आप भी मॉरेटोरियम दे दो, हमें थोड़े दिन बाद दे देंगे आपका,
So inflow will be very negligible of all the banking sector और outflow पूरा बना रहेगा except कि वो travel level का कुछ खर्चा कम कर लें. तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हम उम्मीद तो क्या करें. और लोन के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इस समय शायद, मुझे पता नहीं, सरकार स्कीम तो लाई है 3 लाख करोड़ की कि आपको 20% का लोन दे देंगे, बट मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग ये लोन लेना चाहेंगे, मतलब आपको इस समय लोन की ज़रूरत भी है या नहीं. तो मैं सुनना चाहूँगा आपसे और कोशिश करते हैं कि इसको कुछ, आप बताइए इसका क्या आपने स्ट्रक्चर रखा है इस आज की मीटिंग का. मुझे सर, हमारे साथ ज्वेलर्स के अलावा कैट महाराष्ट्र में, चूंकि दिलीप कुंभोजकर जी जुड़े हुए हैं तो उनके साथ में काफी व्यापारी जुड़े हुए हैं जो अन्य ट्रेड से भी हैं. इसके साथ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और केरला से भी एसएमई सेक्टर के काफी ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं जो आज के इस सेक्टर को बहुत, आज की इस वेबिनार को बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं. तो जो लोगों का मेन प्रश्न है वो यही है कि अभी जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी. तो जब हमें ये लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी तो इजीली ये लिक्विडिटी हमें कहां से मिलेगी? और चूंकि गवर्नमेंट ने एमएसएमई को लेकर काफी सारे अनाउंसमेंट किए हैं, तो क्या एक ज्वेलर या एक साधारण व्यापारी वो एमएसएमई के अंतर्गत आता है? तो एक तो ये हम समझना चाहते हैं. दूसरा सर, ज्वेलरी सेक्टर के अंदर कारीगर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. एक कारीगर वो होता है जो किसी ठेकेदार के पास काम करता है, एक कारीगर वो होता है जो किसी दुकान में काम करता है, एक होता है किसी फैक्ट्री वाले के पास काम करता है, चौथा कारीगर वो होता है जो झोला लेके औजार लेके बाजार में जाता है, काम करता है और उसके बाद चला जाता है. तो अब चूंकि डिमांड कम होगी तो क्या उसको कोई छोटे लोन अवेलेबल हो सकते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक के, कि वो 1-2 लाख 5 लाख रुपए तक के लोन्स जो है वो लेके वो थोड़ा बहुत सामान बना के दुकान दुकान या घर घर जाके बेच सके? और तीसरा सर, हमेशा से हम ये सुनते आए और देखते आए हैं कि भारत की जो आत्मा है वो गांव के अंदर बसती है और जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का जो यहाँ से गए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में मेजरली उत्तर प्रदेश बिहार या दूसरे राज्यों में, गांव के अंदर कोई अपने आप को एक छोटा उद्योग स्थापित करना चाहता है और एमएसएमई के अंतर्गत आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है? और फिर हमारे कुछ लोगों के प्रश्न हैं तो वो हम लेना चाहते हैं. तो सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे थे कि क्या एक व्यापारी, क्योंकि एमएसएमई सुनते ही लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि उद्योग, उद्योग मतलब एक कारखाना जहां पे चल रहा है वही एक एमएसएमई होता है. तो क्या इसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे सर? तो मैं, आपने जो भी क्वेश्चन पूछे मैं कोशिश करता हूँ पहले उनको मैं आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैं आपको समझा सकूँ. देखिए, जो एमएसएमई है ये इसका जो जन्म हुआ था वो 2006 में हुआ था. 2 अक्टूबर 2006 को एक एमएसएमईडी एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, ये 2 अक्टूबर 2006 को इसका एनेक्टमेंट हुआ था, ये एक्ट शुरू हुआ था. इस एक्ट में पहली बार माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को डिफाइन किया गया. इससे पहले आपने सुना होगा शायद SSI, आपने सुना होगा स्मॉल स्केल. तो वो जो SSI पहले होता था वो केवल इंडस्ट्री को, यानी जो आपने कहा कारखाने जो है उनके लिए यूज होता था SSI. और DIC ऑफिस होते थे, वहां जाके SSI का रजिस्ट्रेशन कराते थे लोग और उसमें तरह तरह के करप्शन और बहुत सारी परेशानी हुआ करती थी. 2 अक्टूबर 2006 को जब ये MSME एक्ट आया तो इसमें MSME को डिफाइन किया गया और डिफाइन ऐसे किया गया, उन्होंने कहा कि हम MSME की जो डिफाइन करेंगे, जो उसका बेस होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट. और इस MSME में दो चीजें वहां पर डिफाइन करी गई, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक सर्विस सेक्टर. तो जो भी कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी चीज का, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो आप एक MSME. मैं ऐसे समझता हूँ कि जब हम घर से निकलते हैं, छोटे से छोटा, अगर मैं कहूँ कि भैया एक पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश वाला कॉबलर बैठा है, मेरे हिसाब से वो एक MSME है. कोई एक सड़क के किनारे कोई एक ठेला लगा के, कोई एक चाट बना के बेच रहा है, वो एक MSME है. वहाँ से लेके बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, आज 96% जो इंडस्ट्रीज हैं वो MSME के अंदर आती हैं. अब तो ये संख्या शायद और बढ़ जाएगी क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो गई. तो कोई इसमें शक डाउट नहीं है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में है वो सभी लोग MSME के अंदर आते हैं.
जो ट्रेडर्स हैं वो एमएसएमई के अंदर नहीं आते। यानी अगर आप ज्वेलरी बनी बनाई कहीं से परचेस करके ले रहे हैं और आपने उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया बिल्कुल भी, तब आप एक ट्रेडर कहलाएंगे। तो जैसे आपने लिया वैसे ही आपने बेच दिया, तो जो ट्रेडर्स हैं वो एमएसएमई में कवर नहीं होते हैं। लेकिन मैं मेरा एक बार एक डिस्कशन हुआ मिनिस्ट्री में, हमने कहा कि बताओ ये जो गारमेंट के शोरूम हैं वो ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं? तो आप कहेंगे कि भाई वो तो ट्रेडर है, वो तो सीधा, मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी भी अच्छे ब्रांड का एक कलर प्लस का एक शोरूम मैंने खोल लिया, मैं कलर प्लस का सामान ला रहा हूँ, वही बेच रहा हूँ मैं, तो क्या मैं ट्रेडर हूँ या मैन्युफैक्चरर हूँ? तो शायद सबका जवाब होगा कि भाई ट्रेडर है, हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर लिया। मैंने कन्विंस किया, हमने बोला देखो क्या है, मैं आज एक ट्राउजर खरीदने जाता हूँ, मैं ट्राउजर कैसे खरीदूंगा? जब तक मेरा ऑल्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा तब तक मैं उसको ट्राउजर को नहीं खरीदूंगा। तो क्या करना पड़ेगा उस रिटेलर को? उसको दो कारीगर रखने पड़ेंगे, तीन सिलाई मशीन रखनी पड़ेंगी, तो वो कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग या कुछ ऑल्ट्रेशन कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज आपने खरीदी और जो आपने बेची उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, कुछ ऑल्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने एक सरिया लिया, अगर आप उसको कट भी कर रहे हैं डिफरेंट साइजेस के, तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। वो ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो सरिया काटा ही तो है खाली, क्योंकि वो पूरा बड़ा नहीं लेना है, लोगों को छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट साइज के लेने हैं। तो आप भी अपने यहाँ अगर कुछ भी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि मैं अगर ज्वेलरी खरीदने जाऊंगा तो कई बार हो सकता है मैं कहूँ वैसे भी अंगूठी छोटी कर दो, ये बड़ी कर दो, यहाँ पे ये लगा दो, नग लगा दो, वो लगा दो। तो अगर आपने अपने यहाँ कारीगर रखे हुए हैं कुछ इसमें एक दो चार, तो आप इसको एमएसएमई में मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो और जो सर्विस सेक्टर है, इसी तरह जो सीए हैं, कोई और प्रोफेशनल है, कोई आईटी कंपनी है, या कोई भी किसी भी तरह की कोई जो सर्विस दे रहे हैं, वो भी सर्विस सेक्टर में एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही सिंपल है, केवल एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसका नाम है उद्योग आधार मेमोरेंडम। और उद्योग आधार .gov.in करके एक वेबसाइट है, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं। उसमें आपका जो प्रोपराइटर पार्टनर या डायरेक्टर होते हैं उनका आपका एक आधार कार्ड जो है, आधार नंबर वो चाहिए, और एक फ़ोन नंबर चाहिए क्योंकि इसमें एक OTP आता है। उसके बाद आप अपनी उसमें डिटेल भरते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो डेफिनेशन है, दो चीज़ हुई, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, और फिर तीन उसमें सब कैटेगरी हुआ कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तीन तरह के उसमें डिफाइन हुए एंटरप्राइज। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैं आपको बताऊं, ये वैसे बहुत काम की नहीं रही, बट फिर भी अभी तक जो परसों तक जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि भाई अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट, अगर मैन्युफैक्चरिंग की पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांटिंग मशीनरी में 25 लाख तक है तो आप माइक्रो हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांटिंग मशीनरी में 5 करोड़ तक है तब आप स्मॉल हैं, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांटिंग मशीनरी में 10 करोड़ तक है तब आप मीडियम कैटेगरी में आते हैं। तो 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो ये लिमिट हो जाती है 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़, उसमें इक्विपमेंट कहलाता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में इक्विपमेंट होते हैं, हमारे पास कंप्यूटर, प्रिंटर, लैब हो सकता है या कोई और चीज़ जो भी है, तो सर्विस सेक्टर में इक्विपमेंट्स होते हैं। उसमें जो लिमिट है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की 25 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़, ये अभी तक थी। लोगों की बहुत डिमांड थी, दो डिमांड थी, एक उन्होंने कहा कि भैया आपने 2006 में ये लिमिट रखी थी, अब 2-3 साल से कर रहे हैं, तो ये कि 12-13-15-16 साल हो गए और 14 साल हो गए और आपने अभी तक इसकी लिमिट नहीं बढ़ाई। तो लोगों का एक तो ये मत था कि भाई आप इसकी लिमिट बढ़ा दीजिए 10 करोड़ तक और 5 करोड़ तक जो मैक्सिमम लिमिट है। दूसरा कुछ लोगों का कहना ये था कि साहब इसको टर्नओवर से लिंक कर दीजिए ताकि ये पता चल सके कि कौन एमएसएमई है या कौन नहीं, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, और आपको शायद पता ही होगा कि जो एमएसएमई है उनका पेमेंट एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से 45 डेज में करना कंपलसरी है। अगर कोई नहीं करता तो उसको 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी कोई भी चाहे वो एमएसएमई हो, लार्ज कॉर्पोरेट हो, बैंक हो, गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो, कोई भी बायर कोई भी हो,
अगर आप एक एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है, आपका पेमेंट उनको 45 डेज में करना होगा, अगर नहीं करते तो फिर उनको इंटरेस्ट देना होगा, विच इज 3 times ऑफ बैंक रेट, जो आरबीआई का होता है, मतलब 5.5% के करीब है, तो आज समझ लिया 18-19% के करीब आप ब्याज के हकदार हैं 45 डेज से ज्यादा जो भी लगता। अब ये डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, ये जो कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं तो इन्होंने मान लिया है, और दोनों चीजों को मान लिया है कि भैया हम अमाउंट भी बढ़ा देते हैं इन्वेस्टमेंट का और हम इसको टर्नओवर को भी ले आते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इसमें काफी क्लैरिफिकेशन आने वाले हैं। कल भी हमारी मिनिस्ट्री में बात हो रही थी और हम वर्कआउट कर रहे थे कुछ कि क्या क्या क्लैरिफिकेशन इसमें आने चाहिए, तो अब उन्होंने कर दिया कि एक तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अब कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों एक हैं, जो क्राइटेरिया है वो हम अलग अलग नहीं रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों सेक्टर एक हो गए, पहली बात तो उन्होंने ये कहा है। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों एमएसएमई में है, बट उनमें अलग अलग जो लिमिट मैंने बताई कि सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो 10 करोड़ तक था, अब वो दोनों के लिए कॉमन कर दिया। अब जो डिफाइन किया गया है उन्होंने कहा कि भाई माइक्रो एंटरप्राइजेज वो है जिनमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट 1 करोड़ तक है, और साथ में एक कंडीशन और जोड़ दी कि जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक होनी चाहिए। तो इसमें जो इंग्लिश में एंड है वो है इनके बीच में, यानी आपको दोनों कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी तब आप माइक्रो में आते हैं। मैं बताऊंगा थोड़ा कि क्या इसमें कंफ्यूजन में जो बोल रहा हूँ क्यों आएगा। स्मॉल कैटेगरी में वो है जिनका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, वो 10 करोड़ तक है और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक, यानी इसका 10 times हो गया। पहले 1 करोड़ का था माइक्रो, ये 10 करोड़ कर दिया 10 times, टर्नओवर भी 5 करोड़ थी उसको भी 10 times कर दिया 50 करोड़ कर, तो ये हुआ स्मॉल। मीडियम एंटरप्राइजेज में उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों का डबल कर दिया, मतलब स्मॉल से डबल, वहां 10 करोड़ था इन्वेस्टमेंट, यहाँ उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक, और वहां टर्नओवर 50 करोड़ तक, यहाँ उन्होंने बोला इन्वेस्ट जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ तक। ये दोनों चीजें पूरी करनी है। तो कंफ्यूजन ये होगा कई बार कि जैसे माइक्रो को लें, जहां मैंने कहा कि भाई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और 5 करोड़ की टर्नओवर, ये दोनों पूरी करनी है। अब मानो कोई खास तौर से जैसे आपका लोगों का बिजनेस है ज्वेलर में, तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में बहुत ज्यादा नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि जो लेबर ओरिएंटेड काम है आपका ज्यादा है, और कुछ ये जो चेन वगैरह होते हैं मशीन बनाते भी हैं तो बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और टर्नओवर ज्यादा होती है क्योंकि आपका जो सामान है वो महंगा है। तो अगर किसी में इन्वेस्टमेंट अगर 75 lakhs है तो आप माइक्रो सेक्टर में आ गए, लेकिन टर्नओवर अगर आपकी 6 करोड़ हो गई तो आप इससे बाहर चले गए, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी करनी जरूरी है, तो आप एकदम से स्मॉल में चले जाएंगे। इसी तरह से स्मॉल वाला मीडियम में जा सकता है और मीडियम वाला लार्ज स्केल में जा सकता है, क्योंकि अगर 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में तो हो सकता है उसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा जरूर होगी। अगर 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कर रखा है तो काफी उम्मीद है कि टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होगी, तो वो फिर एमएसएमई कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो ये तो एमएसएमई की डेफिनेशन है। मेरा एक सुझाव आपको ये है यहाँ पर कि आप प्लीज एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए, काफी फायदे उसके कभी कभी मिल जाते हैं, और सीधा उसका आसान सा तरीका है, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है, आप उसको ऑनलाइन बिना कोई पैसा खर्च किए कर सकते हैं। लिक्विडिटी की आपने बात की, दूसरा क्वेश्चन आपका था लिक्विडिटी का, तो लिक्विडिटी की तो काफी बड़ी समस्या रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है आने वाले समय में, और खासतौर से जो ज्वेलर इंडस्ट्री है उसमें, और वैसे तो मैं समझता हूँ सभी में। हमने अभी एक वेबिनार की थी जिसमें हमने ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी को बुलाया था, उसमें हमने उनसे यही कहा था कि भाई आप फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं तो अभी कौन खोलेगा फैक्ट्री, जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो तो ठीक है, सपोज मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हूँ, या मैं टॉय बनाता हूँ, या मैं फर्नीचर बनाता हूँ, या मैं कोई प्लास्टिक आइटम बनाता हूँ, या मैं बिल्डिंग मटेरियल में कुछ और मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो ये जो फैक्ट्रीज हैं अभी खोलना मेरे लिए इसलिए मुश्किल होगा, आप कह तो रहे हैं कि खोल दीजिए, कि जो मैं सामान बनाऊंगा वो सामान बनाकर मैं बेचूंगा किसको, क्योंकि जो मेरा अगर डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी नहीं लेगा, वो कहेगा जी अभी तो पुराना ही रखा हुआ है, अगर मैं होलसेलर को देता हूँ वो भी नहीं लेगा, वो कहेगा वैसे वो दुकान ही नहीं खुल रही रिटेल की तो अभी मैं क्या करूँगा। तो ये थोड़ा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थोड़े समय तक रहने वाली है।
बट फिर भी जो लोग समझते हैं कि वो अपना जो दुकानें हैं वो खोल सकते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप का जो ये वेबिनार है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अपने आप में एक अलग तरह का वेबिनार है, क्योंकि इसमें आपने जैसे बताया तरह तरह के जो व्यापारी हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से वो सब यहाँ पर हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के जब बिजनेसमैन एंटरप्रेनर्स होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम भी थोड़ी 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 अलग होती हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट लिक्विडिटी के लिए अभी जो इमीडिएट जो सॉल्यूशन दिया है सरकार ने वो तीन तरह से दिया है। एक तो उन्होंने कहा कि भाई हम तीन लाख करोड़ का लोन देंगे इमरजेंसी फंड की तरह से जो बैंक से मिलेगा आपको। उसमें यह है कि आप अगले अगर ऑलरेडी बैंक से लोन ले रखा है और आपका 29 फरवरी 2020 को जितनी भी आपकी अवेल्ड लिमिट है, सेंक्शन नहीं, जो आपकी अवेल्ड लिमिट है उसका 20% बैंक आपको दे देगा और ये ऑटोमेटिक रूट से होगा। ऑटोमेटिक मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बहुत अभी डिटेल सर्कुलर तो आएंगे, बट जहां तक मैं समझ पाया हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसमें कोई बहुत ज्यादा असेसमेंट नहीं होगा। कोई बैंक ये नहीं कह सकता कि भाई मैं आपको दूंगा कि नहीं दूंगा, ये 20% तक का ये जो लोन है ये देना ही पड़ेगा। ये उन लोगों को मिलेगा, ये एमएसएमई और बिजनेसेस सभी के लिए है, ये उन लोगों को मिलेगा जिनकी लिमिट जो है बैंक्स या एनबीएफसी से सब मिला के 25 करोड़ तक होगी और जो टर्नओवर उनकी है वो 100 करोड़ तक होगी। तो आपके मान के चलिए कि इसमें जो मैक्सिमम जो किसी को फैसिलिटी मिलेगी वो 5 करोड़ मिलेगी, क्योंकि अगर 25 करोड़ का लोन है और पूरा यूटिलाइज है तो आपको 20% मिलेगा और वो 5 करोड़ तक मिल सकता है। बट इट विल अगेन डिपेंड ऑन द फैसिलिटी वी हैव प्रेजेंटली विद आवर बैंकर्स और एनबीएफसी। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि भाई उन्होंने कहा कि कोई कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक नहीं ले सकता आपसे और एडिशनल, दे कैन नॉट डिमांड एनी एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आपने कोई कोलेटरल बात कर ली ना फिर कॉल बंद है, अगर आप म्यूट कर देंगे क्या सबको, क्या सागर क्या मैं अभी तो मैं ये कह रहा था कि ये जो फैसिलिटी है ये आप अवेल कर सकते हैं और अगर आपको अवेल करनी है तो आप अपने बैंक में सिंपल एक एप्लीकेशन देंगे और बहुत जल्द आपके बैंक से भी इसके बारे में आपको खबर मिल जाएगी। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो प्लीज़ मैं आप कहें तो मैं एक यहाँ पे एक मेल आईडी लिख देता हूँ, आप प्लीज़ तो आप मुझे प्लीज़ मेल कीजिए। फोन पे बात नहीं भी होती तो मेल पे आप रात को मुझे 1 बजे भी करेंगे तो मैं समझता हूँ 1:10 पे शायद मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। और इस अगर आप वेबिनार का रेफरेंस देंगे तो मैं बहुत जल्द वैसे भी आपका मैं देख रहा हूँ कि आपके काफ़ी 400-400 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जैसे आपने कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आज बैठे होंगे टीवी के सामने। तो ये जो लोन आपको मिलेगा ये एक टर्म लोन की शेप में मिलेगा, मतलब होगा वर्किंग कैपिटल ये एक, लेकिन टर्म लोन की तरह से रहेगा कि भाई आप इसको 12 मंथ्स तक आपको नहीं देना है और उसके बाद आपके टोटल जो रिपेमेंट पीरियड है इसका वो 4 साल होगा। तो एक तो ये फैसिलिटी है काफ़ी बड़ी। एक और लिक्विडिटी के लिए एक स्कीम है जो पहली बार आई है, ये सिडबी वगैरह के साथ पहले भी हुआ करती थी, सबऑर्डिनेट डेट। मैं आपको बताऊं सबऑर्डिनेट डेट जो है उसकी ब्यूटी ये होती है कि वो एक तरह से आपका मार्जिन मनी है, इक्विटी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं और जब हमारा कोई एनहेंसमेंट कोई एक्सपेंशन होता है हम बैंक के पास जाते हैं कि भैया और हमें लोन दे दो, तो बैंक कहता है कि भाई साहब लाओ बताओ आप का जो मार्जिन है वो लेके आओ, आप कहाँ है मार्जिन, आप अब हम कहाँ से लाए मार्जिन, हमने तो जो था वो सब मांग के सब लगा दिया, शुरू ही लगा दिया, मम्मी पापा से ले लिया, भाइयों से ले लिया, दोस्तों से ले लिया,
वाइफ से ले लिया, हस्बैंड से ले लिया, सब तो लगा दिया, आप कहाँ से लाएंगे हम और मार्जिन, जो प्रॉफिट है वो भी सब यही लगाते रहते हैं। तो बैंक कहता है नहीं 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 लेके आओ, अब कहाँ से लाए, हमने कहा कि भाई साहब अब आप कहीं डाका वाका डाल लेते हैं वहीं से ले आते हैं, क्या करेंगे। तो अब ये सबॉर्डिनेट डेट जो है ये एक तरह से डेट तो है लेकिन ये कैपिटल में आपका कंसिडर होता है, वापिस तो करना है मतलब ये, बट इट इज ए पार्ट ऑफ योर कैपिटल। तो इससे दो चीज होती है कि एक तो, और ये खास तौर से जो अब जो दे रहे हैं ये 20,000 करोड़, इसकी ब्यूटी ये है कि ये सबॉर्डिनेट डेट है, मतलब ये कैपिटल का एक पार्ट बन जाएगा। और ये जो मिल रहा है सबसे बड़ी इसकी खास बात, क्योंकि आज हम सब स्ट्रेस में हैं, जितने भी एमएसएमई हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ भैया जब मुझसे बात होती है तो मैं इस बात को बहुत मानता नहीं हूँ कि सभी केवल एमएसएमई स्ट्रेस में है, मैं कहता हूँ एमएसएमई स्ट्रेस में है, सरकार स्ट्रेस में है, बैंक स्ट्रेस में है, लार्ज कॉर्पोरेट स्ट्रेस में, बताओ कौन स्ट्रेस में नहीं है। तो पर चलो हम एमएसएमई की बात करते हैं, तो हम एमएसएमई तो कम से कम है अपने लिए, तो हम कह सकते हैं कि हम तो दुख में जीवन बिता ही रहे हैं। तो जितने स्ट्रेस में एमएसएमई हैं, या अगर किसी वजह से अकाउंट हमारा एनपीए हो गया, तो मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि जो बैंकर्स हैं, मैं भी बैंक के बोर्ड पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में मैं 3 साल में रहा था पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड पर। तो जो एनपीए अकाउंट हो जाता है या जो अकाउंट स्ट्रेस में होता है उसको तो कोई बैंक वाला छूना ही नहीं चाहता, क्योंकि बैंक जो लोन देता है 2-4 चीजें देखता है शुरू में, अच्छा भाई से बताओ कहीं SMA 1 SMA 2 तो नहीं हो, माने अगर 10 दिन का 15 दिन का 1 महीने का भी कहीं डिफॉल्ट हो गया तो उधर सिविल मारने के लिए तैयार रहता है, अगर लिमिट थोड़ी बड़ी है तो इधर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग है वो भी रेटिंग कम करने के लिए तैयार बैठी है। जब ये दोनों कर देते हैं तो जो बैंक है वो कहता है वैसे मैं तो आपका कुछ कर नहीं पाऊंगा, हम कहते हैं कि भैया अभी तो असली मदद की जरूरत है आपकी, क्योंकि अभी तो हम परेशानी में है तो कुछ लोन दे दो। तो उसको लगता है कि इससे तो यार कोरोना हो जाए ठीक है, उससे तो जीत जाएंगे, ये जो अगर इसको लोन दे दिया एनपीए अकाउंट को तो मेरा कैरियर खत्म है, मतलब मैं खत्म नहीं तो कैरियर तो खत्म है, तो लोग ये कहेंगे भाई तुमने क्या सोच के दिया था, सरदार खुश होगा। तो ये जो सबॉर्डिनेट डेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये अच्छे लोगों को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ही उन लोगों को जो स्ट्रेस में है और एनपीए है। तो ये एक इसकी खास बात है कि ये एनपीए और स्ट्रेस अकाउंट जो है उनको मिलेगा। तो इसकी अभी बहुत डिटेल्ड आनी बाकी है, और ये हमारा मैं ऐसे समझता हूँ कि जब हमें ये मिल जाएगा सबॉर्डिनेट डेट, तो एक तो नेचुरली उसमें से कुछ पैसा तो बैंक भी कहेगा कि भाई अगर आपका स्ट्रेस में है एनपीए तो कुछ पैसा वो चाह सकते हैं इसके बदले में कि हमारा आप अपना कुछ ड्यूज में से कुछ क्लियर कर दो। लेकिन जब हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट डेट है और ये पार्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटल होगा, तो हमारी जो कैपेसिटी है टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक्स और एनबीएफसी या इंस्टीट्यूशन वो 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर हमने 1 करोड़ का अगर हमें ये मिल गया सबॉर्डिनेट डेट, तो हम समझते हैं कि 3 करोड़ तक का लोन भी और ले सकते हैं, क्योंकि जब बैंक कहता है कि भैया मैं तो 25% आपको लगाना है, 75% मैं दे दूंगा, आप जितना लगाओगे उसका 3 गुना या 4 गुना मैं आपको दे सकता हूँ। तो जब ये 1 करोड़ रुपए अगर, क्योंकि ये हमारा लगाया हुआ माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये जो पैसा है ये हमने लगाया है, हमारी कैपिटल है, तो हमें लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो एक ये इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में हो सकता है एमएसएमई के लिए। वो एमएसएमई जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, उनको एक्चुअल कैपिटल भी मिल सकती है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअल कैपिटल नहीं है, ये सबॉर्डिनेट डेट है, मतलब लोन और कैपिटल के बीच की कुछ चीज है कि आपका समझा जाएगा कि कैपिटल है लेकिन वापस आपको करना पड़ेगा एज ए लोन विद इंटरेस्ट। एक 50,000 करोड़ का साथ में सरकार लेकर आई है इक्विटी इन्फ्यूजन बाई वे ऑफ फंड्स ऑफ फंड, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मुझे पता नहीं इसमें जो लोग आएंगे वो खास तौर से जो एसेंशियल कमोडिटीज में अभी कुछ डील कर रहे हैं, जो अभी कोविड से फाइट करने में जो कुछ काम कर रहे हैं, शायद उनके लिए ये ज़्यादा काम का हो, हम ज्वेलर्स के लिए या हम लोगों के लिए शायद ये उतना इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि नहीं होगा। आपने तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई जो कारीगर हैं हमारे उनको क्या लोन मिल सकता है, तो उनको लोन मिलने की संभावना तो है, और
उनके लिए मुद्रा लोन है, उनके लिए स्टैंड अप इंडिया लोन है, जिसके तहत वो लोन अपना ले सकते हैं। मेरा आपको अनुरोध ये रहेगा कि आप जब भी अपने कारीगर की मदद करना चाहें तो एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, udyamimitra.in। क्या होता है, हमने क्या देखा कि जैसे मैं आज एक ब्रांच में मैं खुद भी अगर जाऊं एक लोन लेने के लिए अपने लिए भी, तो और जो ब्रांच मैनेजर मुझे नहीं पहचानेगा, तो प्रॉब्लम क्या होती है, बैंक्स भी इस टाइम जैसे मैंने आपका कहा कि बहुत परेशानी में चल रहे हैं, और बैंक परेशानी में है तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बेचारे परेशान हैं, क्योंकि उनको रिकवरी का प्रेशर है, उनको और लोन करने का प्रेशर है, तो उनके पास भी सब तरह का प्रेशर है। तो जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है, पहले दिन हम गए तो बैंक मैनेजर ने कहा कि भैया अभी तो स्टाफ ही नहीं है पूरा, थोड़े दिन बाद आना। दोबारा गए तो उसने कहा कि भैया ये ऑडिटर बैठा हुआ है मेरा, अभी तो ऑडिट चलेगा 10 दिन, 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद गए तो उसने कहा कि भैया वो लोन मैनेजर मेरा छुट्टी पे चल रहा है, अभी अभी मत आना। इस बीच में अगर एक दो बार हमने और चक्कर काट लिया, उस बार वो मिला ही नहीं, बोले मैनेजर साहब तो रिकवरी पे गए जी, और तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि बैंक में जो लोन है वो मैनेजर ही बताएगा बस होगा या नहीं होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई और बता दे। बाकी तो कहेंगे भाई साहब मैं तो कैश देखता हूँ, मैं तो ये लेजर देखता हूँ, तो उनको लोन के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो 4-5 बार जब चक्कर लगा लेते हैं हम, तो हमें लग जाता है कि यार इनको लोन वोन करना नहीं, जबकि हो सकता है कि वो जो ब्रांच मैनेजर है वो भी ढूंढ रहा हो अच्छे प्रपोजल्स कि मुझे करने हैं, क्योंकि उसके पास भी प्रेशर है, लेकिन वो बेचारा अपनी परेशानी में जब फंसा रहता है तो दूसरे की परेशानी देख नहीं पाता। इधर हम ये सोच लेते हैं कि यार इसको करना वरना नहीं है, बेकार है सब, ये सरकार सब ऐसी बोलती रहती है, बैंक भी ऐसे ही बोलते हैं, इनको करना वरना कुछ है। अगर तो कुछ लोग तो वहां सरेंडर कर जाते हैं कि वैसे भी सब बेकार है, थोड़े बहुत मुझे अपना बुरा भला कह देते हैं कि यार ये मुकेश मन क्या बोलता रहता है, लोन वोन मिलता है, मिलता मिलता कुछ है नहीं। कुछ लोग जो अड़े रहते हैं, हाँ जिन जो जुनूनी लोग हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो लेके रहूंगा। तो हमने आप वगैरह देखेंगे तो रिजर्व बैंक ने भी कहा, उन्होंने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया CMS, जहाँ उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका कोई बैंक आपकी बात नहीं सुनता तो आप एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत अच्छा है और मैंने इसको खुद यूज करके देखा है, वेरी इफेक्टिव। तो उसमें आप पहले ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखेंगे, वहां से अगर कोई जवाब नहीं आता रीजनेबल टाइम में तो आप ये RBI में कंप्लेंट कर सकते हैं। आप मेरा एक वीडियो है देख लीजिएगा MSME हेल्पलाइन पर जाकर, तो आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मैं समझता हूँ जरूर मिलेगा। CMS सिस्टम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो लोग अड़े रहते हैं कि नहीं हम तो लेके रहेंगे लोन, अच्छा है बिजनेस करना है तो हमारा अधिकार है, बैंक का काम है तुमको देना पड़ेगा भैया, अगर हमारा प्रोजेक्ट सही है नहीं तो बताओ हमें। मतलब कायदा ये है कि अगर मैं कोई लोन एप्लीकेशन देता हूँ तो जो मैनेजर सेंक्शन कर सकता है वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिजेक्शन की पावर एक स्टेप अहेड होती है। मतलब अगर ब्रांच मैनेजर की पावर 1 करोड़ तक का लोन सेंक्शन करने की है तो वो 1 करोड़ का लोन रिजेक्ट करने की उसकी पावर नहीं होती, उसका जो हायर जो सीनियर ऑफिसर होगा रीजनल ऑफिस में वो रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट करना सेंक्शन करने से ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि भैया क्या रीजन है क्यों मैं ये आपका लोन सेंक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद हम में से काफी लोगों को पता नहीं होती, वो मना कर देते हैं। तो मेरा एक सजेशन ये है, जो आपने कहा कि भाई ये कारीगर हैं, अगर वो खुद जाएंगे तो उनको तो हो सकता है कि जो मैनेजर साहब वैसे डरा धमका के भगा दें, या उनके पास टाइम ना हो, या वो दे ना पाए, या वो जो कारीगर हैं वो सही तरह से अपनी बात समझा ना पाए, क्योंकि समझाना भी बहुत जरूरी है बैंक्स को। ये तो सेटिस्फाई कराना पड़ेगा आपको बैंकर्स को कि भाई मैं जो आपसे पैसा ले रहा हूँ वो मैं वापस करने की मेरे में सामर्थ्य है, मैं वापस कर सकता हूँ। तो मैं आपको जो बता रहा था ये जो एग्जाम्पल देखे कि आप बैंक में जाते हैं और आप अड़ गए कि नहीं चाहिए, अब आप बैंक मैनेजर से झगड़ा करते हैं या ऊपर उसकी शिकायत करते हैं कि भाई साहब मैं 3 महीने हो गए मेरे लोन का कुछ कर नहीं रहे, और आप इस उसमें एक फाइल भी उनको दे आए कि साहब ये मेरा प्रपोजल है ये तो आप ले लो, और वो अनमने मनमने उससे बैंक मैनेजर ने मान लो वो ले भी लिया आपका लोन प्रपोजल, और आप जनवरी में अपना प्रपोजल दे के आए, अब करते करते मार्च हो गया, अब मार्च में आपने कहा कि साहब मैंने तो जो है 2 महीने पहले दिया था या 2.5 महीने पहले दिया था प्रपोजल, अभी तक कुछ नहीं। वो तो कहेंगे अरे कहाँ दिया था, अभी तो दिया था पर 2-3 दिन पहले तो देखे गए
तो यू डोंट हैव एनी सपोर्ट ऑफ योर स्टेट, क्योंकि बैंक्स में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं बैंक्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बैंक्स की प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं खुद भी डायरेक्टर हूँ, बट वहाँ भी अवेयरनेस की बहुत सारी कमी है। और बैंक्स में अगर मैंने मैनेजर को जाके बोल दिया एप्लीकेशन देके कि लीजिए पैसे भी इसको रिसीव कर दीजिए जरा, तो कहेगा आप रिसीविंग ही ले जाते, लोन तो तुझे मिलता नहीं जा। तो मतलब ये है कि हम शायद हिम्मत ही नहीं करते कि हम उनको कह दें कि भाई साहब आप ये रिसीव कर दो। प्रपोजल लिए और मैनेजर के पास रख दिया टेबल पे कि साहब देख लेना साहब, पूछ लो, तो उसको रिसीविंग नहीं होती। तो जब हम अगर उसको हम ये कहना चाहें कि आपने हमारा प्रपोजल इतने दिन से करा नहीं है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि आप टीम ने तो ये प्रपोजल मेरे पास पड़ा। तो मेरा सबको हमेशा यही सुझाव रहता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। जब भी अगर आप एक एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर्स हैं तो आप पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट है, आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अभी वो केवल एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर्स के लिए है। पिछले दिनों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुलाया था कुछ 8-9 लोगों को अपने घर पर इकोनॉमी पर चर्चा करने के लिए, मैं भी लकीली उसमें आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, और केवल हम 8 लोग थे वहाँ पर। वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ, 3 घंटे तक मोदी जी ने हमें समय दिया। वहाँ भी हमने कहा उनसे ये मांग रखी थी कि ये पी एस बी लोन 59 मिनट जो है इसको एग्जिस्टिंग के साथ साथ नए एंटरप्रेनर्स के लिए भी प्लीज़ आप अलाउ कर दीजिएगा। तो हो सकता है बाद में हो जाए, बट अभी नहीं है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उद्यमी मित्रा .in, वहाँ जाकर आप सबसे पहला काम तो ये करवाइए कि ऑनलाइन लोन अप्लाई करवाइए। जब लोन ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा तो आपके पास एक प्रूफ होगा, वहाँ बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक की ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर वहाँ जाकर आप मिल सकते हैं कि भैया ये मैंने लोन दिया था, देखो ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास रिसीट है इसका, और साथ में वहाँ आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ है। तो ये मुद्रा लोन है, इसमें मैं समझता हूँ, मुझे पता नहीं कितनी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, बट मुद्रा लोन में ले सकते हैं, थोड़ी बड़ी है। तो CGTMSE भी है, तो 2 करोड़ रुपये तक कोलेटरल फ्री लोन की एक स्कीम है, उसमें भी आप ले सकते हैं। आपने कहा कि भाई गांव में जो इंडस्ट्री है उनका, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। और जो मोदी जी ने जो कहा था कि लैंड, लेबर, लॉ और लिक्विडिटी, 4 चीज बोली थी उन्होंने जब वो आए थे अपना स्पीच देने के लिए, अभी जब उन्होंने 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया था, तो ये 4 उन्होंने सेक्टर्स कहा था कि हम इन 4 सेक्टर्स को कवर करेंगे। तो मैं समझता हूँ जैसे लॉ के लिए उन्होंने बात की, तो मैं अभी ऐसे मानता हूँ कि गांव में इंडस्ट्री लगाने में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यही शायद इनिशियली जो हमने सरकार का ध्यान थोड़ा इस ओर आकर्षित किया है, हमने कहा है कि भाई ये जो गांव में आप इंडस्ट्री लगाने की बात करें, एक तो लैंड यूज चेंज के लिए दिक्कत आती है, वहाँ एग्रीकल्चर लैंड यूज होता है, जब बैंक के पास जाते हैं बैंक कहता है कि भाई मैं एग्रीकल्चर लैंड पे फाइनेंस नहीं करता, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा टेक्निकल इशू है, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता इस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। फिर वहाँ कौन नक्शा पास करेगा, फायर का NOC कौन देगा, ये छोटी मोटी चीज़ें और हो सकती हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो लैंड है और जो लॉज हैं इनमें सरकार को शायद कुछ जल्दी करना चाहिए, अगर ये गाँव में जो इंडस्ट्रीज हैं इनको वास्तव में लगवाना चाहते हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना होगा, पानी का, बिजली का, रोड का, ताकि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से ठीक हो सके, बिजली आए वहाँ पर हम अपना काम कर सकें, पूरी तरह प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ जरूर सरकार का ध्यान है लैंड एंड लॉज की जब वो बात करते हैं। तो यस, गांव में बहुत सारी चीज़ें, मुझे पता नहीं ज्वेलरी में बिजनेस में ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी में आल्सो भी एक कंसर्न इनफैक्ट वहाँ पर, और बहुत सारी इंडस्ट्री तो ऐसी हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि गांव में जरूर हमें, जैसे फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज है, एग्रोवेज इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली हम गांव की तरफ जा सके। तो मैं चाहता हूँ कि आप और कुछ मेरा कुछ परीक्षा लेना चाहें तो जितना मैं जानता हूँ बताने की कोशिश करूँगा, और जितना नहीं जानता वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख होगी कि मैं उसको सीखूं। तो मैं इन मीटिंग्स को हमेशा ऐसे समझता हूं कि इट्स ए लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, क्योंकि जो मैं नहीं जानता हूं, जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, उसको मैं आज रात को पढ़ के जरूर सीखने की कोशिश करूंगा, और फिर आगे कभी कहीं जाऊंगा तो कम से कम उन चीज़ों का जवाब भी दे पाऊंगा। तो इट इज़ ए गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। सो नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सर बहुत 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 धन्यवाद।
एक्चुअली मैं आपकी बातों में इतना हो चुका था कि आगे की बात सर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा. कैट ने अभी kiranalinker.com के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है जो आगे जाके भारत लिंकर में तब्दील हो रहा है. और ये चूंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का नारा दिया है और $5 trillion की इकोनॉमी को हम टारगेट कर रहे हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी $5 trillion की बात करते हैं तो ये देश के हर एक उद्यमी हर एक व्यापारी का फर्ज बनता है कि वो उस दिशा में आगे काम करे, क्योंकि जब वो ग्रो करेगा तभी GDP बढ़ेगी और तभी GDP हमारी $5 trillion पे पहुंचेगी. तो kiranalinker.com DPIT जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का विभाग है उसमें पीयूष गोयल जी के मार्गदर्शन से स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट लॉकडाउन के बाद हुआ, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ये चाहती थी कि देश में जो सप्लाई चेन है वो बनी रहे. तो कैट ने इस चीज का उत्तरदायित्व अपने कंधे पे उठाया और बोला कि जो 7 करोड़ व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये 7 करोड़ व्यापारी किसी भी तरह से देश की सप्लाई चेन को अवरुद्ध नहीं करने देंगे. तो kiranalinker.com के संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि वैल्यू एडिशन जहां होता है, तो जैसे आपने कपड़े का एग्जांपल दिया, कपड़े गारमेंट्स वाले आ गए, तो क्या वो किराना वाला जो मसाला सूखा मसाला पिसवा रहा है या गेहूं पिसवा रहा है वो MSME में आ सकता है? दूसरा हमारे एक मित्र का एक प्रश्न था कि उनकी एक नई रजिस्टर्ड एंटिटी अगर है जिसने अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, क्या वो MSME में आ सकता है? और इसके बाद हमारे साथ राहुल गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं जो एक्स चेयरमैन है EPCES के, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे इन प्रश्नों के बाद कि बहुत सारे हमारे जो ज्वेलर्स हैं जो कारीगर हैं जो अपने जिनका हस्तशिल्प का लोहा पूरी दुनिया जानती है उनको कैसे हम एक्सपोर्ट के तौर पे बढ़ा सकते हैं. तो मुकेश सर आपसे ये दो क्वेश्चन. जी हाँ, तो मैं तो आपको बधाई दूंगा, बहुत बहुत बुरी बुरी आपको, मतलब आप रियली प्रशंसा के पात्र हैं. और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि भैया हम ई मार्केट लिंकिंग करेंगे, मतलब अब हम जो ये जो एग्जीबिशन होती थी उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसकी जरूरत नहीं है, अब ये हम जो ई मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देंगे. उसमें मैं समझता हूँ कि आपका जो किराना लिंकर है और जो आप बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे भारत लिंकर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. जहां तक आपका क्वेश्चन है कि भाई वो MSME में, देखिए मैंने आपको बताया कि जो भी कोई आटा हम अगर कोई आदमी गेहूं ले रहा है, गेहूं को सुखा के उसको पिसवा के उसको पैकिंग में थोड़ा अलग अलग पैक करके और उसको बेच रहा है, तो वो भयंकर वैल्यू एडिशन है. क्योंकि हम गेहूं की तो रोटी नहीं बना सकते ना, तो वैल्यू एडिशन हो गया. तो अगर कोई वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि मतलब जो उसका एंड यूज प्रोडक्ट है वो चेंज हो गया. तो अगर मैं गेहूं लूं तो मैं कहूं लाओ भाई इसका रोटी बना दो, तो वो तो बन नहीं सकती. तो उसने तो बहुत बड़ा चेंज करा है इसमें. तो गेहूं को कन्वर्ट किया, सुखाया, धोया, आटा बनाया, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग साइजेस में करके उसको पैक किया. तो ये बिल्कुल मसाला इसी तरह से मसाला सुखाया, उसको पीस कूट के जो भी किया, पैकेजिंग किया, उसमें प्रिंटिंग लगाई, रेट लगाया, तो वो बिल्कुल MSME की कैटेगरी में आएगा. आपके जो एक और जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने पूछा कि भाई नई एक यूनिट है, नई यूनिट लगाना चाहते हैं, देखिए MSME में आप पहले एक हुआ करता था जब SSI होता था, एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता था, फिर एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता था. तो उस समय पर क्या होता था, जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आइडिएशन के टाइम पर आप एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको लेना होता था, और जब प्रोडक्शन शुरू हो जाता था तब परमानेंट रजिस्ट्रेशन, उसमें लिखा रहता था डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है वो लिखा होता था. तो ये जो मैंने आपको बताया उद्योग आधार की जो वेबसाइट मैंने बताई आपकी, जो केवल और केवल एकमात्र आज रजिस्ट्रेशन है MSME के लिए, वहां पर भी उस जो फॉर्म है उसमें एक डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखा होता है. तो आप अगर अभी बिल्कुल आपने शुरू ही नहीं किया है, आप और एक दो साल बाद अगर उसको शुरू करने का सोच रहे हैं तो कोई फायदा नहीं. लेकिन आपने शुरू उसको थोड़ा सा कर दिया है तो आप उसको अभी भी ले सकते हैं. इस MSME का जो रजिस्ट्रेशन है, आप जैसे ही शुरू करने का बस प्लान करें, अपना जगह वगैरह लें, और अगर आपने किराए की जगह ली है तो मशीन जैसी ही आप लाएं, आप MSME का रजिस्ट्रेशन तुरंत यहाँ जाके करा सकते हैं. उसमें आप डेट ऑफ कमेंसमेंट भी डालना होता है, तो इसलिए बहुत आगे की जो डेट है उसका लेने का कोई फायदा नहीं है. थैंक यू सर, हम अभी जल्दी लौटते हैं आपके पास. राहुल जी जो एक्स चेयरमैन है EPCES के, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल फॉर SEZ एंड EOUs,
सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो एमएसएमईज के लिए 5% सबवेंशन है एक्सपोर्ट में, अब चूंकि 100 करोड़ की लिमिट लग चुकी है, तो आई थिंक आज का अगर मैं गोल्ड का भाव लेता हूँ तो मैक्सिमम 200-225 किलो तक का ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर एक एक जो एंटिटी पहले एक्सपोर्ट करती थी। तो अगर वो एक नॉर्मल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है या छोटा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है और उसकी जो आर्ट है वो बहुत अच्छी है और वो अपने आपको एक्सपोर्ट के क्षेत्र में लाना चाहता है, तो वो ये जो 5% वाली स्कीम है जिसमें 5% सबवेंशन मिलता है, इसका फायदा कैसे उठा सकता है? और इसके अलावा ईपीसीएस किस तरीके से हेल्प करता है ज्वेलर्स की और बाकी कारीगरों की, आप हम चाहेंगे आप हमारा मार्गदर्शन करें उसके लिए। नितिन जी अनम्यूट, थैंक यू। नमस्कार सर, सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको 18 काउंसिल्स उनमें बांट रखा है, और जहां तक जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स कंसर्न्ड हैं वो यदि आम बाजार के अंदर हैं पार्ट हो सकते हैं, और यदि वो एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मौजूद हैं तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एसईजेड यूनिट जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल का भी पार्ट हो सकते हैं, ये भी प्रावधान है। सर हमने एक बात करी सबवेंशन, तो सबवेंशन सर ब्याज जो आपको बैंक लगाता है उसमें सेंट्रल बैंक आरबीआई या फिर भारत सरकार आपको कुछ पैसे वापस करती है उसके अंदर। सबवेंशन शब्द का अंग्रेजी में अर्थ है कि पहले वो आपको दें और फिर वो आगे से लें, ऐसा नहीं है कि वो रिफंड आएगा आगे से वो आपको देंगे। अब एक्सपोर्टर्स के केस में पहले सरकार ने 2015 में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब यदि आपको ब्याज लग रहा है बैंक का 9% तो उसमें 3% सरकार आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है, आकर 5% कर दिया एमएसएमईज के लिए। अब ये जो सबवेंशन है ये 16 आइटमों की लिस्ट है, या तो उनको मिलती है या फिर राहुल जी आपका लिंक ब्रेक हो रहा है कहीं पे। हाँ जी सर आपका लिंक ब्रेक हो रहा है, शायद कुछ नेट का इशू आ रहा है। मेरे को इंटरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आ रहा सर, मेरे को पता चल रहा है प्रॉब्लम बाय चांस, आई एम सॉरी। ओके तो सबवेंशन मतलब आपको सरकार ब्याज के अंदर कुछ पार्ट वापस देती है जो ब्याज आपको बैंक लगाता है, और वो सरकार जो देती है कोई अलग से नहीं देती, बैंक ही आपको काट के चार्ज करता है। यदि आपका बैंक आपको 9% ब्याज चार्ज कर रहा है और आप एमएसएमई हैं और आप बैंक को बताते हैं कि जी मुझे सबवेंशन अवेल करनी है क्योंकि मैं एमएसएमई हूं, तो उस केस में वो नेट ब्याज आपको 4% चार्ज करता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट भारत में दो भागों में बांटा गया है, यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो दो भागों में क्रेडिट मिलता है। एक्सपोर्ट करने से पहले यानी कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, माल बनाया, बैंक के लिए जो चीज अंडरलाइन सिक्योरिटी होती है वो आपका स्टॉक होता है, और एक्सपोर्ट होने के बाद जहां से पैसे आने होते हैं वो सिक्योरिटी होती है। दोनों के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, प्री शिपमेंट क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। सोने के अंदर यदि आप एक्सपोर्टर हैं तो आप की कैटेगराइज्ड नहीं है अलग से सबवेंशन के, तो यदि आप सोने के एक्सपोर्टर हैं, ज्वेलरी के एक्सपोर्टर हैं और आप एमएसएमई हैं, मतलब आज की तारीख में समझे अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो आप इंटरेस्ट सबवेंशन अवेल कर सकते हैं। इफेक्टिवली ये जो सबवेंशन है ये 5% है, और यदि आप सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं तो इफेक्टिवली आपको ये जाके ऑलमोस्ट 0% फाइनेंस कॉस्ट पड़ती है। यदि आप सोने में बढ़त और घटत के अंदर मान लीजिए बैंक ने आपको या तो सैंक्शन किया 3 करोड़ रुपए जैसे श्री मुकेश गुप्ता जी ने बताया, आपने अगर उससे लिमिट्स अवेल करी, और यदि आप उससे लिमिट भी अवेल नहीं कर रहे, मान लीजिए आपने अपना पैसा लगाया और आपको पता नहीं कि क्या डिमांड आएगी, और आपने 1 करोड़ रुपया बैंक के पास ही एफडी में सिक्योरिटी दे दिया, और आपने बैंक भाई मैं अब आगे जो भी पैसा उठाऊंगा मेरी कैपिटल आपके पास सिक्योरिटी के मार्फत है, तो कम से कम आप मुझे इतना तो एक्सपोर्ट क्रेडिट दे ही सकते हैं। तो बैंक आपको जो एक्सपोर्ट क्रेडिट देगा, जो आम ब्याज दर हम सुनते हैं 9-10-11,
इस रेंज के अंदर जो वो आपको ब्याज पे देगा उसमें 5% भारत सरकार उसको वापस कर देगी। तो आपको जो ब्याज पड़ेगा वो अंदाजन 4-5-6 में पड़ेगा। अब ये 4-5-6% जो ब्याज जाएंगे बाजार के अंदर, सोना आउटराइट तो खरीदेंगे नहीं। अगर हमने सोना खरीद लिया तो आगे जब हम एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो कल को भाव बढ़ गया तो हमें फायदा हो जाएगा, घट गया तो नुकसान हो जाएगा। तो यदि हम मान लीजिए उसको MCX के या किसी भी और मॉडल से उसको फ्यूचर सेल कर देते हैं, उसको हेज कर लेते हैं, तो उसमें अंदाजन 4-4.25% ब्याज। इसको मैं और थोड़ा विस्तृत से समझाता हूँ। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का आपने सिक्योरिटी बैंक के पास रख दिया, आपने 1 करोड़ दाम से 2 किलो सोना आपने यदि खरीदा एक्सपोर्ट पर्पस का किसी के भी दो तरीके हैं, आप DGFT से लाइसेंस लेके खरीद सकते हैं बिना ड्यूटी का, या फिर आपकी बैंक के मार्फत बिना ड्यूटी के ले सकते हैं, या जेमिन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की कंपनी प्रमोट डायमंड इंडिया लिमिटेड